महोदय, बिहार गजट के असाधारण अंक में बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना निम्न प्रकार है। अधिसूचना संख्या M2/1/2023 53 दिनांक 9 मई 2023। यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43 की धारा 74 एवं धारा 157 के उपबंधों के अनुसरण में बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन 2023 में दो गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, 3 सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं 6 कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों की राजनीतिक दल सहित अधिसूचना, जिसमें निर्वाचित सदस्य एवं राजनीतिक दल का नाम है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रेषित की जाती है। बिहार राज्यपाल के आदेश से मिथिलेश कुमार साहू, संयुक्त सचिव सह संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, निर्वाचन विभाग की अधिसूचना संख्या M2/1/2023 52 दिनांक 9 मई 2023। यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43 की धारा 16, धारा 30 एवं धारा 56 के अधीन निर्गत अधिसूचना के अनुसरण में बिहार राज्य की विधान परिषद के लिए दो गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, 3 सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं 6 कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की पदावधि के आवासन पर दिनांक 8/5/2023 को सेवानिवृत्ति होने के से रिक्त होने वाले स्थानों को भरने के प्रयोजनार्थ द्विवार्षिक निर्वाचन दिनांक 31/3/2023 को संपन्न हो चुका है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा हो चुकी है, इसलिए अब उक्त अधिनियम की धारा 74 एवं धारा 157 के अनुसरण में दो गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, 3 सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं 6 कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्य के नाम राजनीतिक दल सहित एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है। क्रमांक विधान परिषद क्षेत्र का नाम, निर्वाचित सदस्य का नाम, संबद्ध दल यदि कोई हो। 1. दो गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, अवधेश नारायण सिंह, भारतीय जनता पार्टी। 2. गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, जीवन कुमार, भारतीय जनता पार्टी। 3. सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, जनता दल यूनाइटेड। 6. कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, संजीव कुमार सिंह, जनता दल यूनाइटेड। बिहार राज्यपाल के आदेश से मिथिलेश कुमार साहू, संयुक्त सचिव सह संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार। महोदय, संसदीय कार्य विभाग से प्राप्त अधिसूचना इस प्रकार है। संख्या संघ का 1B मा शपथ प्रतिज्ञान 1/1/2019 409 पटना दिनांक 9/5/2023 बिहार के राज्यपाल से दिनांक 9/5/2023 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान परिषद के सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूँ जिसके समक्ष बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन 2023 में शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यगण अपनी जगह लेने के पहले शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राज्यपाल बिहार। हस्ताक्षर उदय प्रताप सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव, पटना, दिनांक 9/5/2023। माननीय सदस्य श्री अवधेश नारायण सिंह, मैं अवधेश नारायण सिंह, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। माननीय सदस्य श्री जीवन कुमार,
बधाई हो सर। मैं जीवन कुमार, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, मैं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार सिंह, मैं संजीव कुमार सिंह, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सबके नीचे हो गया।
शपथ ग्रहण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। माननीय सदस्य ऊपर आ जाएं जिन्होंने शपथ लिया है, प्रूफ फोटो हो जाए। ये ना जाने को पहला कोई नहीं पता है।